आगे की तरफ दिखाइए कि किस तरीके से पूरा बनारस जो है इस समय सड़कों पर है। आप देखिए यहाँ पर जहाँ तक नजर जा रही है, लोग पूरी तरीके से जीत के जश्न में डूबे हुए हैं। आज के जीत का हीरो कौन? आज के जीत का हीरो हार्दिक पांड्या। आप याद करिए उस ओवर में हम 30 बॉल पे 30 रन थे और वो क्लासिंग का वीडियो 150 करोड़ देशवासियों का ये जीत है। और रोहित शर्मा के कप्तानी का वह शानदार प्रदर्शन रहा और सूर्या का वो कैच लेना, ये भारत का जीत नहीं, ये पूरे विश्व के 150 करोड़ देशवासियों का जीत है। कितनी बड़ी जीत मानती हैं आप? बहुत बड़ी जीत है, इससे हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। इंडिया इंडिया। छोटे छोटे बच्चे जो है वो भी इस समय साथ में है, क्या लगता है क्या टर्निंग पॉइंट रहा? सूर्य कुमार यादव जी ने बढ़िया छक्का लिया है, कैच लिया है। इतनी खुशी है कि छक्के और कैच में अंतर भूल गए हैं। आप बताइए कितना खुशी है आज की? भैया खुशी है। क्या लगता है आज के दिन का टर्निंग पॉइंट क्या रहा भाई साहब, कि जिस तरीके से मैच एक समय लगातार बदल रहा है? दिनों बाद जो हमारे देश में ये वर्ल्ड कप जीता है, ये हम सब के लिए खुशी की बात है। हम यहाँ जश्न मना रहे हैं बनारस के लोग। रात भर जश्न मनेगा। थोड़ा सा पीछे चलिए आप लोग, थोड़ा सा और भी बाकी जो लोग हैं उनको भी सामने आने दीजिए। तो देखिए उत्साह इतना है। You know what they say, when the tough gets going, the going gets tough. Time baby, God's plan. आप देखा भाई जीत कितना उत्साहित है, उत्साह इतना ज्यादा है कि लोग आप देखिए तो दूर से देखिए किस तरीके से पूरा शहर जो है वो इस समय सड़कों पर दिखाई दे रहा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस समय घर के अंदर रहना चाहता है। और ये जो खुशी है वो 2011 के बाद जो ये चीज दिखाई दे रही है, हमें 2011 में दिखाई दिया था कि पूरा बनारस पूरा देश है वो सड़कों पर था, और आज वो खुशी जो है वो नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से जो भारत का झंडा जो लहराते हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और बनारस इस समय बम बम बोल रहा है क्योंकि इस समय वर्ल्ड कप जो है वो जीतते हुए जो जीते हैं भारत की टीम उसके लिए खुशी लगातार मनाई जा रही है। क्या लगता है आज कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, अपरंपार खुशी है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से श्री राम ने लंका का दहन किया था, उसी प्रकार से आज साउथ अफ्रीका हम जीत के पूरे भारत के 150 करोड़ नागरिकों का आज छाती जो है वो 56 इंच का हो गया है। बहुत बहुत बधाई पूरे देश। लगता है 2023 का बदला ले लिया? एकदम बिल्कुल बदला ले लिया। ये छोटी मोटी जीत नहीं है, 10 के 10 मैच जीतना छोटी मोटी बात नहीं है। हमने बहुत अच्छा काम किया और हम लोग बहुत अच्छे जीते हैं। एकदम एकदम रिकॉर्ड हो गया ये एकदम भारत के लिए, विश्व के लिए ऐतिहासिक का पल है। 2007 और 2024 हमें रोहित शर्मा को ये कैप्टेंसी में ये जीत निश्चित देनी थी, और इसके पूरे हकदार विराट कोहली भी। 2023 में जब फाइनल हो रहा था तो इसी तरीके से हम लोग हर मैच जीतते हुए आ रहे थे, कहीं ना कहीं ये डर था कि इस बार क्या होगा। सर 2023 को छोड़िए, बीत गया वो, 2024 में आइए। हमने पूरे विश्व में परचम लहरा दिया अपने तिरंगे का। भारत माता की, भारत माता की। बदला पूरा हो गया, बदला पूरा हो गया, एकदम पूरा हो गया। सदैव अतीत से सीखा है, हम इतिहास के पन्नों को पलट के देख लें और इतिहास रचने का कोई मद्दा रखता है तो वो है भारत। और आज वो सूर्य कुमार यादव ने दिखाया, वो रोहित शर्मा ने दिखाया, वो विराट कोहली ने दिखाया। ये मैच सिर्फ किसी एक का नहीं, ये पूरे भारत की टीम ने जीता। इसीलिए 140 करोड़ जनता का प्लेयर भले ही 11 खेलते हैं पर जीत जो है वो 140 करोड़ भारतीयों की है। जो इंतजार था T20 वर्ल्ड कप का वो खत्म हुआ है। विराट कोहली जो आज पूरे टूर्नामेंट पे वो नजर नहीं आया पर आज जो है वो फाइनल वाला खेल नजर आया। सर इसमें तो पूरे भारत की जीत है, विराट कोहली के रूप में पूरा भारत उतर गया था। सभी सभी हर एक खिलाड़ी को देखिए इसका श्रेय दे रहे हैं। आपने भी देखा होगा सुशांत, जब एक पल के लिए लगा कि अब मैच जो कि हाथ से जा रहा था, उम्मीद लोग छोड़ना शुरू कर दिए थे, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट ऐसा, वो उस बात का जरा जिक्र कीजिए कि टर्निंग पॉइंट कहां, जब टीम इंडिया कमबैक करती इस मैच में। देखिए एक समय ऐसा आया था जब बैटिंग जो है साउथ अफ्रीका की अच्छी हो रही थी, क्या लगता है टर्निंग पॉइंट इसका किसको मानते हैं? मैं दो पॉइंट कहूंगा, एक तो हार्दिक का वो क्लासिंग का विकेट लेना और रोहित शर्मा का चतुरा।
अरे पूरे आएंगे तो। मेरठ से अभिषेक लगातार जुड़े हैं। अभिषेक आपसे भी यही सवाल। अभिषेक आवाज आ रही है आपको? तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से खुशी का माहौल लोगों में। T20 वर्ल्ड कप विश्व विजेता टीम इंडिया बनी और ऐसे में बधाई का दौर। श्याम तिवारी का रुख करते हैं कानपुर से। श्याम तिवारी, टर्निंग प्वाइंट लोगों को कहां कहां दिखाई दिया? एक बार के लिए लगा कि मैच जो है वो तो अब तो जा रहा है, निराशा चेहरे पर लोगों को दिखने लगी, लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया, यही तो कहते हैं टीम इंडिया के कमबैक किस तरीके से करती है, वो आज एक बार फिर फाइनल मैच में भी टीम इंडिया ने दिखा दिया। देखिए, इस पूरे टूर्नामेंट में इस तरीके के नज़ारे देखने को मिले हैं। जब लगा कि टीम इंडिया के हाथ से मैच फिसल रहा है, उसी दौरान बॉलर्स ने कमबैक कराया और टीम इंडिया ने जीत दर्ज की। चाहे बात सेमीफाइनल की जाए, चाहे इसके पहले पाकिस्तान के मुकाबले की जाए, इसी तरीके की स्थितियां थी। लेकिन आज क्योंकि सबसे अहम मुकाबला था, आज फाइनल का मुकाबला था, ऐसे में जब 30 बॉलों में 30 रन की जरूरत थी और डेविड मिलर बैटिंग कर रहे थे, साथ में हेनरी क्लासन बैटिंग कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया के हाथ से मैच चला गया। कानपुर के कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे जुड़ेंगे, उनसे ही जानते हैं कि आखिर क्या लगता है उन्हें, कौन सा वो पल था जिसने टीम इंडिया को मैच जिताया। क्या लगता है आपको, कब टीम इंडिया मैच जीती, जब टीम इंडिया के हाथ से मैच फिसलता हुआ नजर आ रहा था? जब क्लासन की विकेट बुमराह ने ली है, उसके बाद से पूरा का पूरा माहौल ही चेंज हो गया था। फिर उसके बाद जब मिलर की सूर्या ने जो कैच करी है, मतलब अभी तक की पूरे टूर्नामेंट की सबसे अच्छी कैच थी, उससे अच्छी कोई कैच नहीं थी वहां पे, वही पूरा मैच पलट दिया। वहीं से हम लोग का पूरा मैच पलट गया था और सब यहाँ पर, मतलब समझ लिया, अपनी अपनी कुर्सियां छोड़ के कोई नहीं बैठा, सबके टेंशन लगी हुई थी कि जीतेगी तब हटेंगे वहां से। जब जीतेगी तब हटेंगे, अगर पहले हट गए तो टीम इंडिया हार जाएगी, इस तरीके का टेंशन लगा हुआ था? बिल्कुल टेंशन लगा हुआ था, लेकिन अगर बैटिंग की बात करें तो विराट कोहली ने बहुत अच्छी बैटिंग करी और जो आखिरी टर्निंग पॉइंट था, जो सूर्य यादव की कैच, वो बहुत अच्छी थी। और बॉलर्स तो हमारे इंडिया के हैं ही अच्छे और पूरा भरोसा था। पूरे टूर्नामेंट में स्पिनर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इसके बाद आज जब मौका आया तो ऐसा लग रहा था स्पिनर्स कहीं चूक रहे हैं, स्पिनर्स बहुत ज्यादा मार खाए, मैच हाथ से फिसल रहा था। पेसर्स ने जीत दिलाई आज। पेसर्स ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग करी है और स्पिनर्स का जिस तरीके बीच इन बिटवीन मैच में जो है, जब लगा कि पेसर्स स्पिनर जो है बहुत ज्यादा मार खा रहे थे, तब लग रहा था कि जो है पेसर्स का ये पिच जो थी पेसर्स के लिए ज्यादा थी, तो पेसर्स ने आकर के जब वापस जो है बुमराह को और हार्दिक पांड्या को जब वापस बॉलिंग दी गई, तो उसके बाद ही से मैच जो है पूरी तरफ से इंडिया के पक्ष में आया है दोबारा जो है। किस तरीके से जीत का जश्न मनाने जा रहे हैं आज? इस समय तो बस रात का माहौल है, सन्नाटा है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ जो है अपना बाहर जीत का जश्न तो मना रहे हैं। भारत माता की, भारत माता जय किनारे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे ही मौजूद, बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर के घरों से बाहर निकल आए और कहीं ना कहीं संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि पूरा भारत इस जीत के जश्न में डूबा हुआ है और इस वक्त पूरा भारत एक है। तमाम लोग कानपुर के हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके का जश्न मनाया जा रहा है। आज टीम इंडिया ने बड़ी जीत दर्ज की है, किस तरीके से आप खुश हैं और कैसे जश्न मनाएंगे? खुश है।